ये मोदी सरकार है जिसने तय किया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार करने के लिए हमने नहीं कहा इनको, भ्रष्टाचार अगर किया है तो उसके खिलाफ जांच भी होगी और सजा भी होगी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी इसका एक हिस्सा है और यह कदम भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहती हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का फैसला किया है। लेकिन दोस्तों, असल बात तो ये है कि पीएम मोदी का यह नारा गरीबों के साथ लागू होता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के इस बयान पर कहा, किस मुंह से ऐसी बातें कह रही हैं मंत्री मैडम। सच तो ये है कि ये मोदी सरकार है जिसने तय किया है ईडी सीबीआई से तब तक पीछा करवाऊंगा जब तक हमारे पाले में आ नहीं जाते। आ गए तो अजीत पवार की तरह उप मुख्यमंत्री बना दूंगा, असम का सीएम बना दूंगा, मुकुल राय की तरह पार्टी उपाध्यक्ष बना दूंगा और भी बहुत कुछ दूंगा, लेकिन नहीं आए और चुप ना हुए तो छोड़ूंगा नहीं। वहीं दोस्तों, अब इस बीच पीएम मोदी का एक बयान भी सामने आया था जिसमें वे कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठकर मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। लेकिन असल तो ये है कि सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, कितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो।